फिर से चार्ज कम हो गया। अब क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मेरे पास मेरा वॉलेट है, मेरा वॉलेट मुझे बचा लेगा। आप लोग शायद सोच रहे हैं मेरे मोबाइल का अगर बैटरी लो हो गया है तो मुझे एक चार्जर की ज़रूरत होगा, ना कि मेरे वॉलेट की। लेकिन दोस्तों आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे, मेरे वॉलेट में एक ऐसा चीज़ है उसको देख के। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये मेरे पास है एक क्रेडिट कार्ड साइज वॉलेट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये बहुत ही छोटा है और इसका जो कैपेसिटी है आप देख सकते हैं 2500 मिली एम्पियर का। और मेरे इस मोबाइल का जो बैटरी है, मेरे इस मोबाइल का बैटरी 2000 मिली एम्पियर है। तो इस मोबाइल के लिए ये जो मेरा पावर बैंक है ये सफिशियंट होगा। चलिए देख लेते हैं, आज हम लोग बात करेंगे इस पॉकेट साइज क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये बहुत ही छोटा साइज का एक पॉकेट साइज क्रेडिट कार्ड है। ये मेरे मोबाइल से भी छोटा है, आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी स्लिम है और इसको आप आसानी से अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। जैसे आप देख पाएंगे मेरे एक पर्स के एक साइड में मेरा ये आसानी से फिट हो गया और मेरा पर्स जो है ज़्यादा मोटा भी नहीं हुआ। तो अगर आप एक ज़्यादा बड़ा पावर बैंक कैरी नहीं करना चाहते, छोटा पावर बैंक कैरी करना चाहते हैं हमेशा अपने साथ में, तो आप इस पावर बैंक को चेक कर सकते हैं। देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है और इससे आप कितना चार्ज मोबाइल को दे पाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इनबिल्ट एक माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाएगा आपको फॉर चार्जिंग पर्पसेस। और जो लोग एप्पल का आईफोन यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है, यहाँ पे और भी एक अडाप्टर दिया गया है। आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक अडाप्टर दिया गया है, इसको निकालने के लिए आपको इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये एक अडाप्टर है, लाइटनिंग अडाप्टर, तो इससे आप अपने आईफोन को भी चार्ज कर पाएंगे। जब भी आप इसे चार्ज करना चाहेंगे मोबाइल को, तो सिंपली आप इसके यूएसबी केबल को मोबाइल पे लगा दीजिए और आपका मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जब आपका मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा तब इसका जो एलईडी है ये ब्लू कलर में ग्लो करता रहेगा। और ये जब चार्ज नहीं होगा, आप अगर मोबाइल से निकाल देंगे इसको, तो इसका एलईडी बंद हो जाएगा। और जब आप इसको चार्ज करेंगे, यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट दिया गया है, आप यहाँ पर यूएसबी केबल लगा के इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे यूएसबी केबल लगा के। और यहाँ पे आपको इसके साथ एक यूएसबी केबल मिल जाता है जिससे आप इस क्रेडिट कार्ड साइज पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। सिंपली आपको इसमें यहाँ पे लगाना है और आप कोई भी पावर अडाप्टर से इसको कनेक्ट करेंगे या फिर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इसको कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज होना चालू हो जाएगा। और जब ये चार्ज होना चालू हो जाएगा तब इसका जो एलईडी है, इसका एलईडी रेड कलर पर ब्लिंक कंटिन्यूसली ब्लिंक करता रहेगा। और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये जो एलईडी है स्टॉप हो जाएगा, ब्लिंकिंग स्टॉप हो जाएगा, ये रेड कंस्टेंटली ग्लो करेगा। और इसको फुल्ली चार्ज होने में लगभग 5 से 6 घंटे तक लग जा सकता है, जो कि काफ़ी स्लो है। लेकिन आप अगर रात में इसको चार्ज करेंगे तो आप दिन भर इसको कैरी कर पाएंगे और इसको कैरी करने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा मोबाइल का जो बैटरी परसेंटेज है वो है 58% और ये डिस्चार्ज हो रहा है। चलिए अब हम लोग इसको इस पावर बैंक से कनेक्ट करके देख लेते हैं कि ये इस डिवाइस को फुल्ली चार्ज कर पाता है या नहीं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसका ब्लू एलईडी जो है ग्लो कर रहा है और आप देख सकते हैं ये फ़ोन चार्जिंग स्टार्ट हो गया है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं अभी इसका जो बैटरी परसेंटेज है 57% है और जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी 1% चार्ज जो है बढ़ गया है। तो चलिए देख लेते हैं ये पॉकेट साइज क्रेडिट कार्ड कितने देर में इस मोबाइल को चार्ज कर देता है और क्या ये मोबाइल को पूरा चार्ज कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे मेरा मोबाइल का चार्ज ऑलमोस्ट फुल हो गया है, अभी ये 99% है, कुछ ही मिनट्स में ये जो है 100% हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं और ये चार्ज फुल होने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये चार्ज अभी फुल हो गया है और ये चार्ज फुल होने में मुझे लगभग 1.5 घंटा लग गया। तो ये काफ़ी लंबा टाइम है। मेरा चार्ज जो था ऑलरेडी 60% चार्ज था, वहाँ से 100% चार्ज होने में, मतलब ओनली 40% चार्ज होने में इसको पूरा 1.5 घंटा समय लग गया। और अभी तक इसमें चार्ज कुछ बचा हुआ है, इसमें से मैं अगर चाहूँ तो मोबाइल को दोबारा चार्ज कर सकता हूँ। और इस मोबाइल का जो बैटरी कैपेसिटी है ये 2000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी है और 2000 मिली एम्पियर की बैटरी को ये जो है एक बार फुल्ली तो चार्ज नहीं कर पाएगा, लेकिन लगभग 70-80% चार्ज आपका हो जाएगा। अगर आप इमरजेंसी के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं
तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रेगुलरली यूज़ करना चाहेंगे तो इससे आपके मोबाइल को चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इसको चार्ज करने के लिए भी आपको 5 से 6 घंटा समय लग जाता है। तो रेगुलर यूसेज के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप इसको इमरजेंसी पर्पज़ के लिए रखते हैं, अगर आपका मोबाइल का बैटरी एकदम ज़ीरो हो गया है, थोड़ा बहुत आप चार्ज करना चाहते हैं कॉलिंग पर्पज़ के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यूज़ करेंगे तो आप थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ये रेगुलर यूसेज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा ये क्रेडिट कार्ड साइज़ पावर बैंक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे टेक वीडियोज़ देखने के लिए। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो।